फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के दो बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूलाज, जिनको हम बोलते हैं रेंड एंड रेंड बिटवीन। ये दोनों फंक्शंस एक्सेल में बहुत यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं, और ख़ासकर वो लोग जो एक्सेल में प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक्सेल सीख रहे हैं या एक्सेल सिखा रहे हैं, उनके लिए ये दो फॉर्मूले बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं रेंड एंड रेंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल कैसे होता है। तो दोस्तों, रेंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल होता है एक्सेल में सेल्स में रैंडम नंबर इंसर्ट करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक शीट पहले से ही प्रिपेयर की हुई है डेटाबेस का फॉर्मेट, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए हैं और स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं इन सभी सेल्स में, जो सिलेक्टेड सेल्स हैं, इन सेल्स में रैंडम नंबर इंसर्ट करूं। कैसे रैंडम नंबर इंसर्ट करना है, मैं चाहता हूं कि ये सभी बच्चे सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएं, मिनिमम 33 नंबर से और मैक्सिमम 100 नंबर के मिड में नंबर होने चाहिए रैंडमली। तो उसके लिए देखिए मैं क्या फॉर्मूला इंसर्ट करता हूं यहां पर। इक्वल्स टू, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, किसी भी फॉर्मूले के इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद आपने क्या किया, रेंड बिटवीन फंक्शन का इस्तेमाल किया। फिर ये पूछता है बॉटम नंबर, मुझे मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है 33 स्टार्टिंग नंबर, ओके, और टॉप नंबर मैक्सिमम मुझे कितना चाहिए 100। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर की, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, आप देखिए इस सेल में एक रैंडम नंबर इंसर्ट हो गया है बिटवीन 33 to 100। अब इसी सेल के कॉर्नर पॉइंट से जाकर के अगर मैं इसे सेलेक्ट करके ड्रैग करता हूँ नीचे को, तो मैथ्स के सभी स्टूडेंट्स के रैंडम नंबर इंसर्ट हो जाते हैं एज इट इज़। मैं चाहता हूँ हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस और साइंस के बच्चों का भी आ जाए, तो इसको कॉर्नर से पकड़िए और राइट को ड्रैग कर लीजिए, तो देखेंगे आप सभी के रैंडम नंबर यहाँ इंसर्ट हो जाते हैं एक साथ। लेकिन ये जो रैंडम नंबर हैं, अगर मैं इस शीट के किसी भी सेल में कोई भी चेंजेस करता हूं, तो इन रैंडम नंबर्स में चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर कीबोर्ड से F9 की प्रेस करता हूं तो भी इन रैंडम नंबर्स में चेंजेस होनी शुरू हो जाती है, ओके दोस्तों। अब लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरी जिस शीट में जो चेंजेस हो रही है, ये हो रही है इन फॉर्मूलेज के कारण, क्योंकि इन डेटाबेस सिलेक्टेड डेटाबेस के अंदर मेरा रैंड बिटवीन फंक्शन लगा हुआ है और मैं चाहता हूं ये रैंडम नंबर फिक्स हो जाएं। तो उसके लिए मुझे इस डेटाबेस के इस रैंडम जो नंबर्स हैं उनके फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और कॉपी करना है, ओके दोस्तों। और कर्सर क्लिक करने के बाद जिस फॉर्मेट से आपको स्टार्टिंग चाहिए, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल, या तो यहां से पेस्ट स्पेशल कर लीजिए, नहीं तो यहां पर पेस्ट पे जाइए। पेस्ट स्पेशल में क्या है, पेस्ट एज ए वैल्यू। आप राइट क्लिक करके भी पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेल्स में कहीं पर भी आप क्लिक कर लीजिए, वहां पर आपको रैंड बिटवीन का फंक्शन इंसर्ट नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है कि यह आपका फॉर्मुलेशंस वाली शीट फिक्स हो चुकी है, अब ये चेंजेस नहीं होंगे, ना ही पूरी शीट पर कहीं पर चेंज करने से और ना ही F9 की प्रेस करने से। तो आपने सीखा रैंड बिटवीन फंक्शन का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है। तो आइए इसके कुछ और यूजेस सीखते हैं। देखिए, नेक्स्ट शीट में मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, यहाँ पर कस्टमर्स के नेम हैं और यहाँ मैं कस्टमर का मोबाइल नंबर रैंडम इंसर्ट करना चाहता हूँ, और उसकी सैलरी मींस नेम है स्टाफ के मोबाइल नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, उनकी सैलरी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है या डेट ऑफ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग डेट्स हो सकती हैं। तो अगर मुझे रैंडम यहाँ पर मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है, तो देखिए रैंड बिटवीन फंक्शन का कैसे इस्तेमाल करूँगा। रैंड बिटवीन, मुझे मोबाइल नंबर की स्टार्टिंग बॉटम नंबर कहाँ से चाहिए, मैं चाहता हूँ 98 से स्टार्टिंग हो जाए, दो डिजिट ये हो गए और 8 डिजिट की और रिक्वायरमेंट है, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मैंने इंसर्ट कर लिया बॉटम नंबर मिनिमम से, कॉमा, अब टॉप डिजिट मुझे रिक्वायर्ड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 डिजिट का मैंने यहाँ पर टॉप नंबर ले लिया। जैसे ही एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखें एक रैंडम नंबर आ गया, और इसको मैं नीचे को ड्रैग करता हूं तो रैंडमली सभी के मोबाइल नंबर बहुत आसानी से आ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए शीट बहुत अच्छी, और यही चीज़ मैं यहां फिक्स करता हूं तो कॉपी, कर्सर रखे, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट एज ए वैल्यू, ओके दोस्तों।
एज इट इज़ मुझे सैलरी की रिक्वायरमेंट है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर रैंडमली सैलरी आ जाए, तो मैं सेलेक्ट करता हूँ। और देखिए, इसको ड्रैग करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए जिस एरिया में आपको रैंडम नंबर चाहिए, वहाँ पर रैंड बिटवीन। अब मिनिमम स्टार्टिंग मुझे 15,000 चाहिए और मैक्सिमम मुझे 35,000 रिक्वायर्ड है। ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करना है। केवल एंटर की प्रेस करेंगे तो एक ही सेल में आपका रैंडम नंबर आएगा, कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे सभी सेल्स में आपके रैंडम नंबर इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन आप देखते हैं यहाँ पर कि जो सैलरी वाला सेल है यहाँ पर क्या है, कभी भी सैलरी आपकी इस तरीके से लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट जो है उस तरीके से सैलरी कभी भी नहीं होती, इनमें लास्ट में राउंड फिगर्स होते हैं। तो अगर आप इसको फिर से अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन इसके आगे मुझे और लगाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रेंट बिटवीन का फंक्शन है उसके आगे इक्वल्स टू से थोड़ा सा आगे मुझे क्या करना है, एक फंक्शन लगाना जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, कॉनकैडिनेट। ओके दोस्तों, इस फंक्शन को स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर आइए, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, ये दो दो जीरो हैं इसके लास्ट के टू डिजिट को राउंड करना है, तो इनको हटा लीजिए और यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा में 00 डाल दीजिए और ब्रैकेट क्लोज, एंटर की। तो आप देखेंगे अब ये एज ए रैंडम नंबर तो आ गया है लेकिन राउंड फिगर। ओके दोस्तों, अब इसको राइट अलाइन करना है तो राइट अलाइन कर दीजिए। ऐसे ही मुझे डेट रैंडम में चाहिए तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर रैंड बिटवीन और यहाँ पर डेट का फॉर्मेट इंसर्ट कर ले। बॉटम डेट मुझे क्या चाहिए, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, डेट इंसर्ट करने के लिए बॉटम नंबर और टॉप नंबर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डेट को हमेशा इन्वर्टेड एज अ टेक्स्ट इंसर्ट करता है ये, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और ये फॉर्मेट पर्टिकुलर होना चाहिए, पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके दोस्तों, फिर टॉप नंबर के लिए मैंने क्या करना है, कॉमा, फिर मुझे वही इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करना है। अब मुझे क्या चाहिए, टॉप नंबर, तो उसके लिए मुझे पहले मंथ, फिर मुझे क्या करना है, डेट, फिर ईयर, जैसे मुझे 2020 रिक्वायर्ड है, सॉरी दोस्तों कॉमा नहीं लगाना है, इस तरीके से। ओके, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आप डेट भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। और इस डेट के फॉर्मेट को आपको मैंने बताया था, फॉर्मेट सेल से आप चेंज कर सकते हैं। अब इसको नीचे को ड्रैग करेंगे तो ये भी आपके चेंज होते चले जाएंगे, डेट रैंडम आ जाता है। अब इनको फिक्स करना है तो कॉपी, देन प्रेस राइट क्लिक एंड वैल्यू फॉर्मेट, आ गया दोस्तों। तो इजीली मैंने ये डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब देखिए ये राउंड वैल्यूज़ क्या होती हैं, कभी मुझे अगर रिक्वायर्ड है रैंडम नंबर जो डेसिमल वैल्यूज़ में आए तो उसके लिए मुझे रैंड बिटवीन फंक्शन नहीं, मुझे क्या चाहिए, रैंड फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो इक्वल्स टू प्रेस कीजिए रैंड और ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, मुझे रिक्वायर्ड है 0 to 1 के बीच में जो रैंडम नंबर हो उनकी, तो सीधा आपने एंटर की प्रेस करना है। और इनको जैसे ही आप नीचे को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे 0 to 1 के मिड में जो भी रैंडम नंबर्स हैं वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है 0 to 10, तो आपने इसी फॉर्मूले के आगे क्या करना है, इनटू स्टार लगा करके 10 प्रेस कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए और इसको नीचे को ड्रैग कर लीजिए। देखिए आगे रैंडम नंबर, यहाँ से आप इसके डेसिमल वैल्यूज़ को बड़ा या घटा सकते हैं। ओके दोस्तों, और इसको भी फिक्स करने के लिए कॉपी कीजिए और कर्सर रख के पेस्ट स्पेशल और एज ए वैल्यू पेस्ट कर लीजिए और आप सिलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा रैंड और रैंड बिटवीन फंक्शन का कितना अच्छा इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके से अपडेट होने वाली नई से नई वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।